हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मैंने रेनी सीजन में फ्लावरिंग वाले कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड्स मंगाए हैं, तो मैंने इन्हें ऑनलाइन मंगाए हैं, तो इसमें सारी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं और अब हम इसे अनपैकिंग करके देखेंगे कि इसमें किस तरह से सीड्स निकलते हैं। इस तरह से हमने इसके एक सिरे को जहाँ पर ये फोल्ड किया हुआ है वहाँ से इसे धीरे से काट करके इसे निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर भी बहुत अच्छे से इसे पैक किया हुआ है और इसके साथ ही ये इस पर सारी इन्फॉर्मेशन और कितनी तरह की वैरायटीज़ के इसमें सीड्स दिए हैं वो सारा इसमें दिया हुआ है। और इसके साथ ही इसमें इसका ईमेल एड्रेस और वेबसाइट भी दी हुई है और इसमें MRP और हमारे जो पैकेट का वेट है वो भी लिखा हुआ है। अब हम इसमें इसे निकाल कर देखते हैं कि हमें कौन कौन से फ्लावर्स के सीड जो हैं मिले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितने सारे तरह के फ्लावर्स के जो हैं सीड्स बहुत ही अच्छी तरह से पैक किए हुए हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ये देखिए इसमें हमें और ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है कि किस तरह से हमें सीड लगाना है और उसकी हमें केयर किस तरह से करना है, हमें मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा हमें दिख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे जो हैं वेराइटीज़ के फ्लावर्स के सीड हैं। इनमें से कुछ सीड्स तो ऐसे हैं जो मैंने कभी देखे नहीं हैं और मुझे इनके बारे में नहीं पता कि इस तरह के फ्लावर्स के जो सीड किस तरह के होते हैं। और इनमें से काफ़ी सारे तो पता है पर काफ़ी सारे हमें जो हैं वो नहीं पता। तो जैसा इसमें ये छोटे छोटे कुछ सीड्स जो हैं इन पैकिंग से बाहर भी आ गए हैं। और देखिए आप, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे जो हैं सीड्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं प्लांट्स के सीड जो हमें मिले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से वैरायटीज़ के सीड्स मिले हैं। जैसे कि यह है पहला जो हमारा सीड्स है वो है कैलियोपसिस, फिर वेनेडियम, एंथीरियम, सनफ्लावर, स्टॉक, पिटूनिया, पॉपी रेड, पॉपी आइसलैंड। और जैसा आप देख रहे हैं कि इनके जो सीड्स हैं वो कुछ सीड्स तो काफ़ी बारीक है, सेंड से भी ज़्यादा बारीक, और कुछ सीड्स हैं वो गोल हैं और बड़े आकार के हैं। कुछ लंबे सीड्स हैं इसमें और बिल्कुल कुछ छोटे छोटे से सीड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये डहलिया के सीड्स है फ्रेंड्स। डहलिया जो है ये रेनी सीजनी प्लांट नहीं है, ये जो है ठंड के सीज़न में इसमें फ्लावरिंग होती है। और है जीनिया के प्लांट में भी ठंड के दिनों में ही फ्लावरिंग होती है। तो अगर हम अभी से इन्हें ग्रो करेंगे तो हमारा प्लांट जो है वो ये विंटर सीज़न आने तक काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाएगा और विंटर सीज़न के स्टार्ट होते ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास जो है गार्डन में लगाने वाली घास होती है उसके भी कुछ सीड्स हमें मिले हैं। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ के सीड्स हो गए हैं और अब हम इन्हें अलग अलग गमलों में ग्रो करेंगे।